कल हम लोगों ने पढ़ा था क्योटे फ्लो, सिंपल क्योटे फ्लो, और उनमें से बाकी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। बाकी हमारा जो रह गया था वो स्ट्रेस जो थी वो रह गई थी, स्ट्रेस को हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो स्ट्रेस में आपके पास ये फार्मूला है, ये पेज नंबर 30 चैप्टर 1 के दिए हुए, ये पेज 30 पे। इस पे ये दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों ने देख लेने। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें सिग्मा 1 1, ये जो नंबर सिग्मा एक्स एक्स है, सिग्मा एक्स एक्स, क्योंकि हम इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये लास्ट वाली टर्म है ये हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो बाकी रह जाएगा पी को, हम ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम उसको जीरो अज्यूम करें, हमारे पास रह जाएगा 2 μ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, और यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। सिमिलरली सिग्मा वाई वाई, क्योंकि यहाँ पे जो यू है ये फंक्शन है सिर्फ वाई का, जब उसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा वाई वाई, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2 μ पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, वी की वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो। सिमिलरली सिग्मा जेड जेड जीरो, ये सारे के जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट वन, जो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई वो नॉन जीरो होगा। अब यहाँ पे जो सिग्मा एक्स वाई है तो इसकी वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू म्यू पार्शियल यू, यू की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल यू वाई ओवर एच ओवर कैपिटल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, वी की वैल्यू जीरो पार्शियल जीरो ओवर पार्शियल एक्स, ये आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल यू ओवर एच म्यू। तो ये चीज हमारे पास जीरो, ये जीरो, हमारे पास ये जो बाकी सारी चीजें जीरो आएंगी, सिर्फ इसका आंसर हमारे पास नॉन जीरो आना है जो कि है कैपिटल यू ओवर एच, ये स्ट्रेस की वैल्यू है, और साथ में यू ने मल्टीप्लाई होना। जो बाकी टर्म्स हैं सारी, जो 6 कंपोनेंट है उनमें से बाकी सारे जीरो होंगे, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वो जो के नॉन जीरो हमें मिलेगा। इस तरह हमारा जो ये जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड का फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इससे नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। जो अब आप लोगों ने याद रखना, जो वर्किंग होगी हमारी, जो नेक्स्ट हमने 3 4 आर्टिकल पढ़ने सबकी सेम होगी, पहले हम उसको डायग्राम से देखेंगे कि क्या चीज सॉल्व करनी है, फिर डेटा देखेंगे, उस डेटा को हम नेवेस्टॉक क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट की वैल्यू आ जाएगी, जब लास्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद हम लोगों ने शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इस तरह से सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हम जो नेक्स्ट उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इससे है सिंपल क्योटे फ्लो से, नेक्स्ट है जनरलाइज क्योटे फ्लो, ये आर्टिकल हम लोग देखेंगे। जनरलाइज क्योटे फ्लो, अब जनरलाइज क्योटे फ्लो और सिंपल क्योटे फ्लो में क्या फ्लो का, उसको मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास इधर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस तरफ हमारे पास है जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट यहाँ इस प्लेस पे है,
यहाँ पे, और एक प्लेट है हमारे पास यहाँ पे। अब इसके बिटवीन हमारे पास जो है वो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, प्लेट्स के बिटवीन। लास्ट वाले आर्टिकल में हमने कहा था कि जो जो अपर प्लेट है वो मूव कर रही है, ये मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी कैपिटल यू, और जो लोअर प्लेट है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। और उस वाले केस में हमने लोगों ने कंसिडर किया था यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। प्रेशर इज कांस्टेंट। तो हम लोग इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, इन प्रीवियस केस अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस केस वी कंसिडर प्रेशर इज वेरियंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है। अब उसकी वजह से जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट बनेंगी और सॉल्यूशन भी डिफरेंट बन जाएंगे कुछ। और एक और चीज है जो हमारे पास सिंपल क्वांटम फ्लो का रिजल्ट है, हम जनरलाइज क्योटे फ्लो वाले रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं अगर हम उसमें प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर कर लें। पहले हम रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर उस रिजल्ट्स में से हम सिंपल क्योटे फ्लो के रिजल्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग इसको तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी थी उसमें हम लोग बाउंड्री कंडीशंस और वो पुट करेंगे। हमारे पास जो कंडीशंस हैं सेम होंगी प्रीवियस आर्टिकल वाली, ये हमारे पास जो है बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये हम जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे यू इक्वल टू 0 एट 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी, यू इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू डीपी ओवर डीएक्स वी स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस ए वाई। अब सेकंड कंडीशन हम इसमें पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू कैपिटल यू बाय एच माइनस 1/2 म्यू डीपी ओवर डीएक्स एच। अब हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला। ये जो मैंने स्टार लगाया ये हमारे पास फाइनल आंसर है इक्वेशन। अब ये फाइनल आंसर है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर इसको एक और डायमेंशनलेस फॉर्म है उसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। डायमेंशनलेस फॉर्म हम वो कहते हैं जिसमें हमारे पास हर वेरिएबल है जो टर्म है उसकी जो डायमेंशन होगी वो जीरो हो जाए, उसकी कोई भी डायमेंशन है उसको हम डायमेंशनलेस कहते हैं। अब हम इस इक्वेशन जो हमारे पास लिखी है इसको डायमेंशनलेस फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हम लोग जो हमारे पास ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 7 उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके हम इसको एक और अल्टरनेटिव नेटिव फॉर्म है उसके अंदर हमने इसको लिख देंगे। ये हमारे पास अदर अल्टरनेटिव फॉर्म है यू यू इज इक्वल टू कैपिटल यू वाई ओवर एच माइनस वाई बाय एच बाय टू वाई ओवर म्यू डीपी ओवर डीएक्स 1 माइनस वाई ओवर एच। अगर हम इसको जरा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर हम एक और कांस्टेंट अल्फा पुट कर देते हैं, हम यहाँ पे एक पैरामीटर पुट कर देते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2 म्यू कैपिटल यू माइनस डीपी ओवर डीएक्स। अब ये हम लोगों ने जो अल्फा पैरामीटर लिया ये डायमेंशनलेस है, यानी कि अगर हम इसके डायमेंशंस पुट करें एच की डायमेंशन
एम स्क्वायर टू तो की नहीं आएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकंड, म्यू अगर म्यू की डायमेंशन हमें फाइंड नहीं पता तो हम म्यू की डायमेंशन कैलकुलेट कर दें, टी टाई इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, और यहाँ पे म्यू की डायमेंशन आ जाएगी टा ओवर डी यू ओवर डी वाई, और इसके यूनिट जो हमारे पास स्ट्रेस के यूनिट होते हैं पास्कल, और डी यू ओवर डी वाई इसके डायमेंशन हमारे पास होगी 1 ओवर सेकेंड ओवर सेकेंड, तो पास्कल सेकेंड इसके यूनिट आ जाएंगे, ठीक है पास्कल सेकेंड। तो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं पास्कल सेकेंड, और डीपी ओवर डीएक्स प्रेशर, प्रेशर के यूनिट पास्कल, और एक्स के यूनिट मीटर। अब इसको हम सारा कैंसिल आउट करेंगे, पास्कल पास्कल से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इस तरह से सेकंड जो है यहाँ पे ये सेकंड से कैंसिल आउट हो गया, तो इसके अल्फा के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास, इसका कोई यूनिट हमारे पास नहीं आया, दैट मीन इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं आएगा। तो ये डायमेंशन लेस पैरामीटर हम यहाँ पे में पुट कर देंगे इसको, यहाँ पे प्लेस इसको रीअरेंज करेंगे अल्फा, इसको यहाँ पे जो टर्म्स यहाँ पे हमें एच स्क्वायर चाहिए तो इसको हम इस टर्म को एच से मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर ओवर एच, एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे यू नहीं है, यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डीपी ओवर डीएक्स हमारे पास ऑलरेडी है माइनस के साथ, ये सारा टर्म्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है वो हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा। इसको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। इक्वेशन नंबर 10 में हम लोगों ने क्या किया, जो वेरिएबल अल्फा है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसमें जो टर्म्स कम थे उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 10। अब ये जो इक्वेशन नंबर 10 है ये हमारे पास डायमेंशनलेस है, वैसे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल यू ओवर कैपिटल यू वाई ओवर एच अल्फा वाई ओवर एच 1 माइनस वाई ओवर एच। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यू के यूनिट क्या होते हैं, वेलोसिटी ओवर वेलोसिटी डायमेंशन लेस, वेलोसिटी लेंथ वाई लेंथ है, एच भी लेंथ है तो ये भी डायमेंशन लेस, अल्फा डायमेंशन लेस है, वाई ओवर एच ये डायमेंशन लेस 1, ये सब पूरी एक इक्वेशन ही हमारे पास जो है वो डायमेंशन लेस है। तो अब हम लोग ये वेलोसिटी के ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस, ये हमारे पास है इक्वेशन प्लास्टिक डायमेंशनलेस फॉर्म। क्लियर, अब हम देखेंगे हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो किस तरह का होगा। अब जाहिर बात है जब हमारे पास कोई भी पाइप है या प्लेट है, लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक कोई पाइप या वो है अब इस पाइप में से फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो अब यहां से जो प्रेशर डिफरेंस है, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेशर है वो लेट्स पे वो है यहाँ पे 10 पास्कल है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 5 पास्कल है, तो फ्लो हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ, उसने प्रेशर को इक्वल करना है, तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो फ्लूड फ्लो करेगा, यानी अगर प्रेशर डिक्रीजिंग है तो लॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस की तरफ फ्लो करेगा, अगर हम इसके अपोजिट ले लें इस तरफ हमारे अगर हमारे पास 10 है और इधर 5 है तो फ्लूइड फ्लो इस तरफ होगा,
अगर इंक्रीजिंग है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फ्लूड फ्लो करेगा। अब इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, उसको हमने क्या किस तरह से स्टडी करना है। तो हमारे पास हम इसके थ्री केस बना लेते हैं। सबसे केस वन हम लोग बनाते हैं। केस वन हमारे पास है, केस वन जो हमारे पास अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव का मतलब हमारे पास क्या है कि हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं। सर जी, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। जी ठीक आ रही है। सबको, अगर सबको आ रही कम आ रही फिर तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, अगर एक दो को इश्यू आ रहा है तो फिर उनकी तरफ से इश्यू होगा। नो नो सर, सही आ रही है। तो इसमें हम अल्फा पॉजिटिव है तो जो डीपी है वो डीएक्स है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू माइनस डीपी ओवर डीएक्स है। जो अल्फा की वैल्यू थी प्रीवियस जो है इसमें हमने ये देखी, अल्फा इज इक्वल टू एच, एच हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, म्यू की पॉजिटिव वैल्यू होगी, यू की पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे जो सिर्फ नेगेटिव ही की वजह से ही वो ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। अल्फा पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब डीपी ओवर डीएक्स जो है हमारे पास नेगेटिव हो, बाकी चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डीपी ओवर डीएक्स के नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज आवर प्रेशर इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक्स एक्सिस की वजह से हम ले रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो फ्लूड फ्लो होगा उसको सपोर्ट करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा। अभी मैंने डायग्राम बनाई थी आपके सामने, तो इस वाले केस में ये जो फ्लूड फ्लो होगा ये सपोर्ट करेगा हमारे फ्लूड फ्लो को। लेट सपोज मैं इसको डायग्राम दबा ये दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारे पास लोअर प्लेट है, ये हमारे पास अपर प्लेट, इस तरफ वाई एक्सिस और इन दोनों प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो एच है। ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू 0 है, ये वाई इज इक्वल टू एच है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इस तरफ हमारे पास जो है वो वेलोसिटी। तो अब इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेशर क्या है, लेट्स सपोज हम कह रहे थे 10 पास्कल है और इस साइड में हमारे पास जो क्या है 5 पास्कल है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो प्रेशर है वो सपोर्ट करेगा, जो इन दैट केस प्रेशर विल सपोर्ट द फ्लूइड फ्लो। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, एक पॉइंट लेट्स सपोज हम यहां पे ले लेते हैं, ये और ये, यहाँ पे ये कैपिटल यू है और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अगर तो हम अल्फा, पहला केस हम लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। इसे नेक्स्ट अगर हम अल्फा को ले लेते हैं 1, तो हमारे पास जो फ्लूड फ्लो होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए।
अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 लेंगे दैट मींस प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास ये कुछ पैटर्न इस तरह का बन जाएगा, ये 2 के लिए है और इस तरह अल्फा की वैल्यू ये लेट्स सपोज हम कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5 के लिए। अब ये वाला क्या है कि ये एक्चुअली जो फ्लूइड ने जब प्रेशर कांस्टेंट था तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब जब हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जो प्रेशर है जो इसको फ्लूइड को कह रहा है कि वो थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करेगा, ये इस तरह से आगे की तरफ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए। जब प्रेशर डिफरेंस और ज्यादा होगा तो ये इसको और टच करेगा कि ये फ्लूइड और आगे से होके फिर इस तरह से आए, मगर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उसने जो बाउंड्री कंडीशंस को लाजमी तौर पर फिल करना है, तो मैंने अभी रेड में आपको ये बाउंड्री कंडीशंस है, ये यहाँ पे कैपिटल यू है और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं लाजमी इसको टच करेंगे, और यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए ये फ्लूइड तो है, ये अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए, ये बाउंड्री कंडीशंस ये वाली ये लाजमी इसने इसको टच करनी है ये वाला और ये वाले पॉइंट, बाकी इसकी जो वेव होगी पैराबोलिक टाइप होगी, और इक्वेशन से भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन में जो पैराबोलिक का टच आ रहा है तो हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो होगा पैराबोलिक होगा। ये हमारे पास फ्लो हो गया जब हमारे पास अल्फा पॉजिटिव है, अब हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास अल्फा नेगेटिव होगा तो फ्लो किस तरह का होना है। अब हम अल्फा को ले लेते हैं नेगेटिव, तो अब हम लोग अल्फा को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, अगेन हम लोग लोअर प्लेट अपर प्लेट वाई एक्सिस, तो मैं इस पर लिख लूं, हम आपके पास ये हमारे पास है यहाँ पे वाई इज इक्वल जीरो y is equal to h, ये हमारे पास y axis है और यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं इलास्टिक को, ये वाला जो पॉइंट है ये कैपिटल U है, ये वाला जो पॉइंट है वो जीरो है। अब हम अल्फा को नेगेटिव ले लेंगे, अल्फा को नेगेटिव लेने का मतलब क्या, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव है, इस तरफ हमारे पास 5 है, इस तरफ जो प्रेशर है वो 10 पास कर ले, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, फ्लूइड आप जो प्रेशर डिफरेंस है वो फ्लूइड को इसको के को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि उसको रेजिस्ट करेगा, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगा कि जो प्लेट है वो उसको इस तरफ पॉजिटिव की तरफ मूव कराएंगे बट जो प्रेशर है वो उसको ऑपोजिट साइड में मूव करवाएगा, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड पैटर्न है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये तो उसने हमारे पास प्रेशर की वजह से हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये कह देते हैं हमारे पास ये अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव 1 के लिए, ये वाला जो पैटर्न है हम कह देते हैं ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए, ये वाला जो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 के लिए, पॉजिटिव के लिए आगे की तरफ फ्लो करेगा और नेगेटिव के लिए इस तरफ करेगा, ये वाला जो पैटर्न्स बने हुए हैं ये 1 -1 और -2 ये नेगेटिव साइड के लिए बने हुए हैं, जैसा कि ये पैटर्न है हमारे पास अल्फा इज इक्वल -2 के लिए, तो ये अल्फा की तरह की वजह से उसमें जो डिफरेंस आएगा उसके फ्लो पैटर्न में बिहेवियर में वो अब हमने आप लोगों को शो किया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, जब अल्फा की वैल्यू हम 1 और -1 के बिटवीन लेंगे तो इस तो तब सॉल्यूशन किस तरह के हो,
मैं नेक्स्ट पेज में जब उसकी जब आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने इसका कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो वी एवरेज होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट इस वाले केस में हम जो पढ़ रहे हैं वो हम मैं इसको क्यू डैश कह देता हूँ, क्योंकि हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नहीं पढ़ रहे, हम एक स्ट्रिप में जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये डिवाइड करेंगे एच के साथ। और क्यू डैश का फॉर्मूला कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास जीरो टू एच यू डी वाई और ये डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने यू की वैल्यू पुट करनी है और उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करके लिमिट्स जीरो टू एच पुट कर देनी है। तो यहाँ पे जो यू की वैल्यू है यहाँ पुट है, यहाँ पे इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन है, y के इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 और जो है यहाँ पे जो है y के इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर के y क्यूब बाय 3 y स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे। तो लिमिट्स पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर फाइनली आ जाएगा वो ये आ जाएगा। The average is equal to half plus alpha by 6 u. ये हमारे पास आ जाएगी v average की value. Clear? हम लोग calculate करेंगे maximum और minimum velocity. वो हम इस next वो calculate करते हैं. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हमें पता है कि जब भी किसी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग पुट करेंगे u ओवर dy इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे जो u की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है कैपिटल u y over over h plus alpha y over h 1 minus y over h, इसको हम डिफरेंशिएट करके जीरो के क्रिएट कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, y का डेरिवेटिव 1 और ये y यहाँ पे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 और y जब इनसाइड जाएगा तो y स्क्वायर 2y ओवर h। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये du ओवर dy इज इक्वल टू 0 गिव्स हमारे पास y इज इक्वल टू h बाय 2 प्लस हाफ h आ जाएगा। दैट मींस कि हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू h 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 अल्फा। यहाँ पे आप लोग एक चीज हम नोट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अल्फा को 1 बाय 2 पुट करता हूँ, लेट पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 2 तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी h 1 बाय 2 प्लस जो अगर यहाँ में 1 बाय 2 पुट किया तो क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2 प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 बाय 2 एच। तो ये आंसर हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा क्योंकि हमारी जो रेंज है कि दो प्लेट्स के बीच में कहां से कहां तक है, 0 से लेके एच तक, मगर ये जो आंसर हमारे पास क्या आ गया वो यहाँ पे आ गया ऊपर थोड़ा सा 3 एच बाय 2, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से अगर आप माइनस 1 बाय 2 भी पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब इसको माइनस 1 बाय 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस h बाय 2, तो ये भी रेंज से बाहर यहाँ करके वैल्यू आ गई। तो अगर आप यहाँ से आप हम एक रिजल्ट पुट करेंगे, अगर हम पुट करेंगे अल्फा को माइनस 1 और 1 के बिटवीन
तो हमारे पास जो आंसर है वो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो हमारी जो ये वाला प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास अल्फा की 1 से -1 डोमेन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके अलावा हम इसके आंसर एक्सेप्टेबल है। अब -1 और 1 के अलावा कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर हमेशा जो वाई जो जो जीरो वाई जो हमारे पास है जीरो टू एच के बिटवीन आएगा। जीरो टू एच के बिटवीन आएगा फॉर अल्फा अगर लेस अगर अल्फा फॉर अल्फा नॉट इन -2 1 अगर हम अल्फा को -1 से लेके -1 इंटरवल यूनियन 1 to 1, ये हमारे पास अल्फा इसको बिलोंग करना चाहिए इसमें से आ सकता है या इसमें से आ सकता है, इसके अलावा नहीं। तो इन पॉइंट्स पे ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इस पे हम लोगों ने अल्फा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे। ये हमारे पास ग्राफ बने हुए, लेट्स सपोज हम इस ग्राफ को चेक करते हैं, ये जो अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पे हमें नजर आ रही है, ये हमें पता नहीं कितनी होगी मगर ये हमें ये पॉइंट का पता है, ये वाला पॉइंट होगा। अब इस पे जो मिनिमम है वो इस पॉइंट पे होगी, ये वाली ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। इस तरह जब अल्फा नेगेटिव होगा तो ये वाली जो होगी यू मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा वो यू के इक्वल होगा, और जो यू मिनिमम है वो इस पॉइंट पे होगा, ये यू मिनिमम। पर इसकी वैल्यू क्या हमें नहीं पता, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बट इस वाले केस में यू मैक्सिमम में क्या है हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट करना है। बट यू मिनिमम हमारे हमें पता वो क्या होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू लास्ट की क्या थी वो 0 है, वो हमें पता है। यानी अगर अल्फा पॉजिटिव हो तो यू मैक्सिमम कैलकुलेट करने वाला, यू मिनिमम हमें पता 0 है। अगर अल्फा नेगेटिव है तो यू मैक्सिमम हमें पता कैपिटल यू है, और जो यू मिनिमम है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको हम जो डेरिवेटिव से हम इसको कर लेंगे। तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे y is equal to capital u over h alpha, तो इसके बाद हमें ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, ये सारा कैलकुलेशन इसमें y की वैल्यू आपने पुट कर देनी h plus 1 by 2 plus alpha half alpha। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको जो u की वैल्यू मिलेगी वो मैं ग्रीन से सर्कल कर देता हूँ। ये हमारे पास u is equal to capital u 1 plus alpha square over 4 alpha, यही वाली वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी और यही वाली मिनिमम वैल्यू होगी। ये डिपेंड करेगा हम अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास u मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल u 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर 4 अल्फा फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1। और इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, u मिनिमम इज इक्वल टू 0 फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1, और हमारे पास u मैक्सिमम होगा इक्वल टू कैपिटल u फॉर अल्फा लेस देन -1, और जो यू मिनिमम है वो यही वाली वैल्यू होगी सेम, मगर ये पहले मैक्सिमम थी, यही वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी कैपिटल यू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर 4 अल्फा, और ये है अल्फा इज इक्वल टू -1 के लिए। यानी मैक्सिमम और मिनिमम का रोल चेंज हो जाएगा, अल्फा जब अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा यू मैक्सिमम, और यही अल्फा लेस देन -1 होगा तो यही वाली यू
मिनिमम होते हैं। अब हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो क्यू डैश है वो हम लोगों ने कहा था। सर जी काफी है जी, सर जी काफी है, ये बस लास्ट है, इसके बाद एंड हो जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ प्लस अल्फा बाय सिक्स। इसे नेक्स्ट शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ ये वाले हमने कैलकुलेट करना है। टा इज इक्वल टू म्यू डी पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। यू आपने ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, यू का हमने डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई, कैपिटल यू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई कैपिटल यू वाई ओवर एच प्लस अल्फा कैपिटल यू ओवर एच वन माइनस वाई ओवर एच। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इसकी फॉर्म बन जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। डेरिवेटिव लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 17, अगर हमें यहाँ कहा जाए कि हम इसकी लोअर प्लेट या अपर प्लेट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करें, जब आपसे कहा जाए लोअर प्लेट पे कैलकुलेट करें तो आपने इस इक्वेशन नंबर 17 में y इक्वल टू 0 पुट कर देना है। स्ट्रेस एट लोअर प्लेट और ये हमारे पास है स्ट्रेस एट अपर प्लेट। ठीक है, अगर आपने कहा जाए कि बिटवीन द प्लेट कैलकुलेट करें तो आपने ये जो y है कुछ y की y में h by 2 पुट कर देना है तो आपका सेंटर में स्ट्रेस आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज, हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, आप लोग गिरफ्तारी की तैयारी करें। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना कोई पूछ सकते हैं।